कृपा के सागर प्रभु जी तय मोर मन ला समझा दे जी। मैं भटकत हूँ व्यति बोती सत ज्ञान के रास्ता बता दे जी। हे कृपा के सागर प्रभु जी तय मोर मन ला समझा दे जी। मोर मन हाँ बड़ा हरामी है सिर तुन मज विषयी कामी है। ये तो जन्म जन्म के चोर है जी सिर तुन मा हराम खोर है। मैं भटकत हूँ व्यति बोती ते ज्ञान के रास्ता धरा दे जी। हे कृपा के सागर प्रभु जी तय मोर मन ला समझा दे जी। डारा पाना सही है तनहा सुखा जाहिरे जब वाही जब आही बरोड़ा रे ये बुड़ा जाहिना। जब आही बरोड़ा रे ये बुड़ा जाहिना। डारा पाना सही है तनहा डारा पाना सही है तनहा सुखा जाहिरे जब आही जब यही बरोड़ा रे ये बुड़ा जाहिना। जब यही बरोड़ा रे ये बुड़ा जाहिना। ये बुड़ा जाही रे मन भौरा ये बुड़ा जाही रे मन भौरा। ये बुड़ा जाही रे मन भौरा ये बुड़ा जाहिरे मन भौरा। तन हर ढीला हो जाहि पानी मरे घुर जाहि। माटी के तोर तनहा माटी मरे मिल जाही। तन हर ढेला हो जाही पानी मरे मिल जाही। माटी के तोर तनहा माटी मरे मिल जाही। जियत भर ले रे मोर मोर जियत भर ले रे मोर मोर सब सिरा जाही रे। जब वाही जब यही बरोड़ा रे ये बुड़ा जाहिना। जब यही बरोड़ा रे ये बुड़ा जाहिना। संसार माया के लगे बाजार। चार दिन के जिन गानी राजा दो दिन के घर द्वार। सपना संसार माया के लगे बाजार। चार दिन के जिन गानी राजा दो दिन के घर द्वार। जिया तू भर ले रे मोर मोर सब सिरा जाही रे। जब वाही जब यही बरोड़ा दे ये बुड़ा जाहिना। जब यही बरोड़ा रे ये बुड़ा जाहिना। डारा पाना साहिए तनहा डारा पाना साहिए तनहा सुखा
जब आही, जब आही बरोड़ा रे ये बुढ़ा जाहिना, जब आही बरोड़ा रे ये बुढ़ा जाहिना, ये बुढ़ा जाही रे मन भौरा, 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 ये बुढ़ा जाही रे मन भौरा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सूतनु बरनी न जाए, उभय धरी महदीन सात प्रदीक्षण धाय। आदरणीय सज्जनों, अब तो बेंद्रा भालू के दल में भैया उत्साह हो गए। संपाति कही दीस के जे ये पार ले वो पार जाए के साहस रखते, उही माता सीता जी के संदेशा ला के भगवान तक पहुंचा सकते। कोनो बेंद्रा भालू मन कथे भैया मैं तो आधा दूर तक चल दू, कोनो किनारे तुरे जाए में कहीं नहीं होएगा, अरे ले देख आधा दूरिया कोनो चली देबे, अब ऊपर डाले कोनो गिर के समुद्र मरी गए तहु का काम के। कतको झन तो अतका जोश दिखाए के कोशिश करीन कि मैं जाए बर तो ये पार ले वो पार चल दूँ, लेकिन वापस आए के बिना मोला संदेह है। अंगद जी कथे भैया मैं जाए बर तो जा सकता हूँ ये पार ले वो पार, लेकिन समस्या मोर साथ में ये है कि वापस आहूँ का नहीं आहूँ ओकर कोनो जवाबदारी नहीं है। जामुन जी कथे महाराज हमार बेंद्रा भालू के दल के ते मुखिया यास, और तोर जाना है कोनो दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है महाराज। और आज जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी के सोए हुए ताकत ला जगाना पड़ गए जामवंत जी ला। और सही बात है भैया, जे कोनो ताकत वाला रथे ना, जे कोनो बल वाला रथे ना, बोला अपन बल के अपन ताकत के अंदाजा नहीं रहा है कि मोर में अतका बल है, मोर में अतका सामर्थ्य है, कोनो दूसर के द्वारा उकर बल के उला सुरता कराना पड़ते। जामवंत जी है सियान, हनुमान जी है जवान, और जब तक ले आज कोनो जवान ला कोनो सियान है एक नवा दिशा नहीं बताही, तब तक ले जवान के ताकत के जीवन में सदुपयोग नहीं हो सका। जामवंत हनुमान जी कर गिस कथे का बात है महाराज, कले चुप बैठे हस, अरे ये सब्बो जन अपन अपन बल के तर्कना करत हैं, ये मन अपन बल ला बतावत हैं, अते कले चुप बैठे हस। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहू बलवाना। अब कतका बढ़िया संकेत है कि यदि कौनों कर हमार काम ला कहूँ बनाना है ते सबले पहले कुलोल मनाना है तो कर परिवार वाला के आप बड़ाई करो, परिवार वाला के बड़ाई से काम नहीं बनी तो कर खुद के बड़ाई करो। हनुमान जी के जोशला भी जानमंत जी इसने जगई, सबले पहली पवन देवता के नाम ले के उकर जोशला जगईस, उकर स्यम के बात ला बोल के उकर जोशला जगईस, लेकिन जामवंत जी के मुंह से जब तक ये बात नहीं निकली इसकी कथे महाराज, राम काज लगी तव अवतारा। अब जैसे राम काज के नाम सुनी हनुमान जी के जोश उमड़ गए, आज नवा उत्साह आगे भैया। अब तो हनुमान जी माता सीता जी के पता लगाए बड़े 400 कोस के समुद्र लांधे के क्षमता आगे, तो सियान के द्वारा जवान के बल के एहसास कराना पड़ते। बाबा तुलसीदास तो मानस में यहाँ तक कथे कि समुद्र के किनारे में रहने वाला पर्वत जेकर ऊपर में हनुमान जी केवल खेल में ही पाँव लमड़ा दीस ते वो पताल लोग पहुँच गए हनुमान जी के केवल पाँव के ताकत में, केवल स्पर्श मात्र में। तो भला विचार के देखाओ कि जेला तुलसीदास जी महाराज अतुलित बलधामम स्वर्ग सैलाभ देहम कहे है, वो हनुमान जी के अंदर में कतका बल ढीस हुई। राम काज करे बर तय जन्म धरेगा, यह बजरंग बली ते बड़ा काम करेगा, यह हनुमत महाराज बड़ा काम करेगा,
अरे जन्म धरे अंजनी के बाखा को तीले, अजी पाका फर समझ के तय बेरा लाली ले। अरे अड़बड़े झगड़ा हरे हे तय हाँ ननपन ले, अजी रामला रामाय रे हे तय हाँ तन मन में। बलियो बुद्धि तोर चरण चुमेगा, यहो हनुमत महाराज बड़ा काम करेगा, यहो बजरंग बली तें बड़ा काम करेगा। आदरणीय सज्जनों, भगवान हनुमान जी महाराज 400 कोस के समुद्र लिए पार ले वो पार नहा गए, केवल भगवान की कृपा से आज लंकापुरी में पहुंच गए। लंकिनी ला सत्संग के मुस्तिका प्रहार करके आज लंकापुरी में आज हनुमान जी प्रवेश कर लीस। अब प्रवेश करे के बाद आज लंकापुरी में माता सीता जी के तलाश कर थे, लेकिन वो लंकापुरी में माता वैदेही जी मिल ही कहाँ। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। तुलसीदास जी महाराज कथे कि सारा लंकापुरी में ऐसे तो सबो जगह मंदिरे मंदिर दिखे हनुमान जी ला, लेकिन मंदिर में मिलना कौन चाहिए तो भगवान, लेकिन लंकापुरी के मंदिर में मिल कौन गे तो लड़ने वाला निशाचर मन। कोनो कर भैया सीता रूपी शांति के दर्शन नहीं हो। विभीषण जी महाराज के साथ में ईश्वर कृपा से संत मन के मिलन हुईस। अब विभीषण जी के द्वारा हनुमान जी ला माता सीता के खबर बताएगी, और जाके अशोक वाटिका में भगवान के मुद्रिका ला निशानी स्वरूप लेके जाने वाला हनुमान जी माता सीता जी के दर्शन करे के सौभाग्य मिल गए। और जैसे माता सीता जी के दर्शन करी भगवान हनुमान जी आज धन्य हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान। ओ जी हो, सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला दिखा के, सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला दिखा के। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान। संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला दिखा के, सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला दिखा के। बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बनावे हो, सबके बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बनावे हो। हरी नारी ला कौन हरे है ओकरे पता लगा दे हो, हरी नारी ला कौन हरे है ओकरे पता लगा दे हो। सबके बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बनावे हो, सबके बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बनावे हो। हरी नारी ला कौन हरे है ओकरे पता लगा दे हो, हरी नारी ला कौन हरे है ओकरे पता लगा दे हो। जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान। सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला दिखा के, सिया
का संदेशा लगा दे मनी मुंदरी ला देखा के। दया करेसगा मोर बर दया दिखा दे हो, सुग्रीव पर तय दया करेसगा मोर बर दया दिखा दे हो। मणि मुदरी मा राम बसे है सिया संदेशा लगा दे हो, मणि मुदरी मा राम बसे है सिया संदेशा लगा दे हो। सुग्रीव पर तय दया करेसगा मोर बर दया दिखा दे हो, दया करेसगा मोर बर दया दिखा दे हो। हरी नारी ला कौन हरे है ओकरे पता लगा दे हो, हरी नारी ला कौन हरे है ओकरे पता लगा दे हो। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला देखा के, सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला देखा के, सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला देखा के, सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला देखा के, सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला देखा के, सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ला देखा के। सज्जनों, हनुमान जी माता सीता जी ला कथे कि माँ, अब तक ले जतका झन मोला मिलिन केवल सबो खानेच वाला रहिन, लेकिन आज मोला भूख लागत है। यदि तोर कोनो आशीर्वाद हो तो ये लंकापुरी के वाटिका में जाके कुछ फल खा लेते हूँ। और सिरतोन माँ भैया, हनुमान जी है संत, और संत के जीवन में भूख हो प्यास तब तक नहीं लगे जब तक वो अपन जीवन में अपन हाथ में लिए हुए काम ला पूरा कर नहीं लाए। कहे भी है ना, राम काज किन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। माता सीता जी कथे, बेटा हनुमान, ये लंकापुरी में बड़े बड़े निशाचर राक्षस मन बगीचा का रखवारी करते। हनुमान जी कथे, माँ मोला वोकर चिंता नहीं है, ते तो बस एक आशीर्वाद दे दिमूंगा। हनुमान जी आशीर्वाद मिल गए। हनुमान जी लंकापुरी के वाटिका में चल दिस। और लंकापुरी के नियम भी तो बड़ा विचित्र है भैया, जेला कोनो मदिरा पान करना है मांस खाना है ओकर लिए कोनो कर कहीं रोक टोंक नहीं है, लेकिन जेला सात्विक भोजन करना है जेला शाकाहार भोजन करना है वो शाकाहार भोजन के लिए बगीचा में उद्यान में पहरादारी रखवारी। हनुमान जी वाटिका में चल दिस, फल फूल ल खाए बर लागिस। राक्षस मन देखिन, दू झन चार झन दौड़ के इन, और हनुमान जी के साथ में लड़ाई शुरू हो गई। जतका वाटिका के रखवाली करने वाला रहा है सबो झन हनुमान जी के हाथ में पछाड़े गीस मारे गीस, कछु मारी से कछु मर देसी। हनुमान जी कतकोला मार दीस कतकोला अधमरा कर दीस, लेकिन जतका झन भी ले दे के अधमरा जेकर प्राण बाँज गए। घिल्लत घुल्लात बेचारा मन पहुँच गए लंकापुरी में रावण के दरबार में। रावण इकर मन के दशाला देखिस, कथे क्यों रे क्या हो गया। दूत मन कथे, महाराज का बतान, नाथ एक आवा कपि भारी, एक ठन बेंदरा आया है महाराज। रावण पूछिस, कथे बानर कितना है। सैनिक मन कथे, महाराज एक ठन है। नाथ एक आवा कपि भारी, एक ठन है बेंदरा। रावण कथे, तुम कितने हो। सैनिक मन कथे, महाराज हमन तो सैकड़ों हन। रावण कथे, रे नलायकों, जब तुम इतने हो और इतने मिलकर के भी एक बंदर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो।
सैनिक मन कथे महाराज सबो प्रकार ले ओकर सन मुकाबला करके देखेन, आगू पाछू ऊपर नीचे दायां बायां, लेकिन कोनो करा ले ओकर ताकत के थाह लगाना मुश्किल है। रावण कथे क्यों, ऐसा क्या है उस बानर में? सैनिक मन कथे महाराज आजू बाजू में आगू में रहने वाला तो कम से कम दो चार घाव अपन तलवार ला अपन फरसल हला के ओकर सन लड़ाई घलो कट डरही। रावण कथे रे नलायकों, जब सामने से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो हम निशाचर हैं, पीछे से चोर हमला कर देना था। सैनिक मन कथे महाराज ते तो केवल आदेशे कर सस यहाँ बैठ के, हमन तो ये बात लग करके देख घलोक डरेन, लेकिन जे चोर हमला करे बर कोनो बेंद्रा के पाछू में चल दिस ना, वो पाछू में जाने वाला के एक मिनट के लिखित गारंटी नहीं। रावण पूछी ऐसा क्यों है? सैनिक मन कथे महाराज वो बेंद्रा पाछू में होकर पूछ, और सही में भैया आगू पाछू ले लड़ने वाला में आगू वाला तो कम से कम दो चार मिनट हनुमान जी सन लड़ घलोक डरे, लेकिन पाछू वाला के कोनो गारंटी नहीं है। काबर हनुमान जी के है पूछ, अब पूछ के महिमा ला सुन के रावण के एक हाथ अपन मूछ में चल दिस। और सही में भैया ये पूछ और ये मूछ ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, हमारे हिंदी साहित्य के श्लेष अलंकार लगे है। पूछ में अम के मात्रा ला हटा देवे तो एक मतलब होते पूछ, अब आज दुनिया के दशा है, कोनो ला पूछ चाहे मत पूछ, लेकिन सही में मूला पहली पूछ। आदमी सुन के नाराज घलोक हो जाते, अरे जान दे भैया, अरे फलाना घर गेनगा, अरे चाय के बात तो दूरिया एक गिलास पानी भर भी हमला नहीं पूछिस, घर में सास बहुक नहीं पटाए, सास कहा थे मैं तोर ले पहली आ हूँ तो तोर ले बड़े पूछे मोर, तब बहू अपन ने आँखी देखा थे ओला तहू तो पूछ वाली इस महू बिना पूछ बिना नहीं आओ। आदमी को सुन के बरत्थे घलो कथे ये भैया अरे फलाना सन मत लाग बेना, काबर अरे ओकर अतका लंबा पूछ है ते ओकर पूछ है ये गांव ले लेके मंत्रालय तक गे है। अब सही बात है सज्जनों, पूछ के शाब्दिक अर्थ ही होते प्रतिष्ठा। हनुमान जी के पूछ के अतका बड़ाई कर दीने सैनिक मनहा कि रावण के एक हाथ अपन मूछ में चल दी। मूछ के मतलब भी प्रतिष्ठा, पूछ के मतलब भी प्रतिष्ठा। तेकर से तितवाज रावण हनुमान जी के समझाए से हनुमान जी के बताए से भी आज कोनो चीज ला आज माने बर और जाने बर तैयार नहीं होते ना, अब मानते तेकर बनते भैया, अजय नहीं माने तेकर तन घलोक जथे। बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि हनुमान जी है संत, अब काम क्रोध मतलब ईर्ष्या देश में सोए हुए जीवला ये संसार में संत केवल जगाए के काम करते, और वही बूता करे बर तो लंकापुरी में घलोक गए ना हनुमान जी है। ज्ञान से भक्ति से वैराग्य से सबों से रावण ल समझा के देख डरीस, लेकिन रावण कभू काकुर माने तब ना, और नहीं मानने वाला साथ तो बड़ा समस्या है। एक बात मोल याद है, एक ठन चावरा में दूझन आदमी बैठे रहे, दोनों के बीच में एक ठन बात चलत रहा है कथे कस भैया अरे काली हमर गाँव गेनगा बूचू मंडल आज तक काकरो पर एक रुपया खर्चा नहीं करे, लेकिन भगवान के कैसे कृपा होगे ओकर ऊपर काली पूरा गांव भर लबला के भंडारा दिस। तो दूसरा आदमी और सुन के कथे अरे भंडारा में जान दे मैं तो बाप पुरखा नहीं खा रहे हूँ, उसने खीर ला अतका स्वाद वाला खीर बने रहीस, उमे के काजू किशमिश मन ला बिन बिन के खाया भैया, सुगंध के मारे वो खीर है लवांग लाइची की अतका ममहात रहा है, एक घाव कौन का है चार दोनों झोंका खाए, रात के सूते के बेर हाथ लग हलोक नहीं धो नाक कर टेका के सूत गय, खुशबुच में बड़ा जोरदार नींद पड़ गया। ये दोनों जन के बात ला एक जन तीसरा आदमी कान टेण के सुनत रहा है, तो दोनों में एक आदमी की नजर पड़ गई ऊपर ऊपर कथिया कस जी भैया सूरदास अरे कतक बेर के आके बैठेसगा पता चली चली समझ ला, अच्छा काली मंडल घर भंडारा हुई तो तेनी रहेगा, तो सूरदास कथे हमला कोनो नहीं बताएंगा जाने रहतेन ते हमू जाए रहतेन, अच्छा काय खाए बर मिलीस बड़ा जोरदार मजा आगे कहात रहे हो, तो दोनों में एक आदमी कथे रे काय खाए बर मिलीस की एक मत पूछ बाप पुरखा नहीं खाए रहे उसने खीर ला बड़ा जोरदार खीर बनाए रही इस मंडल घर, अब खीर के नाल सुनीस ना
तो सूरदास के लालच के मारे एक बीता लार छुछवा गए। ये मन जतकी गोठियात जाए उतकी एक लालच बढ़त जाए। लालच में फंसिस तहन बेचारा पूछ बैठी इस कथे कस भैया भारी जोरदार मजा इस कथो। अरे मुला ये तो बताओ कि ये खीर होते कैसन। दोनों में एक आदमी कथे रे खीर लेने जाना तेगा। चल मैं समझा देता हूँ शायद समझ आ जाही तोला। खीर बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होते सादा दूध और चावल के बन थे। अब वो जन्म के अंदर बेचारा सूरदास ओकर बर तो सारा संसार है हरा नीला पीला लाल सबो एक मई है। अब वो का जाने सादा का होते कि गलती ओकर से अतकी हो गए एक घाव पूछ दिस कथे कस भैया ये सादा कैसन होते। तो दोनों में के एक आदमी कथे रे सादल घलोक नहीं समझेते हैंगा। चल मैं बता देता हूँ शायद तुल समझ आ जाही आसानी से। जैसे नंदिया तरियम बगुला होते बगुला हा कोकड़ा हा उसने कोकड़ा बरोबर सादा रंग के रही सो खीर हा। अब जे आदमी बरोबर सादल नहीं समझते वो आदमी बगुला और कोकड़ाल का समझे। लालच में फंस गिरा है बेचारा गलती होकर से वो एक घाव अतकी हो गए कि एक घाव पूछ दिस कथे कस भैया ये सादा कैसन होते। तब बतात रहा ते आदमी रिस के मारे तन तना गए अड़ी के रिस्तरवम चढ़ गए होकर। और सही बात है कभू कभू जीवन में समझना और समझाना मत का अंतर आ जाते कि समझाने वाला बात के मतलब लकाए कहा थे और समझने वाला आदमी होकर बात के मतलब ला अपन ऊपर कैसे लेवत है। और दोनों के तालमेल जब तक बरोबर नहीं बैठे तब तक वास्तविक बात आदमी समझ नहीं आवे। रिस के मारे तनतना के बतात रहते हैं अपन जगल उठिस रटपीट रैया करस सूरदास करेस आई तो जमा को कर डेरी हाथ ल धर लिस जीरी हाथ ल धरी तो धर के हाथ लोकर आगुम टेणगा कर दिस ऐसे होते बगुला हाँ अब आई समझ में। तो सूरदास एक हाथ ल टेणगी करके दूसरा हाथ में टमड़त रहा है। अब अपन मने मन में कल्पना करे कथे भगवान भारी जोरदार मजा इस कथे मन हा। और जब अतका लंबा लंबा अतका मोठ मोठ अतका टेणगा टेणगा खीर कोनो बुचू मंडल घर चूरे रही सोही तो ये गांव वाला मनो खीर के कति कोतिल पहले स्वाद मार के खई सोही। तो जे नहीं समझे भैया तेला समझाना तो घलोक बड़ा दिक्कत के बात है ना। हनुमान जी बड़ बड़जीस बड़ समझे इस रावण ला। जाने बर तो रावण है चार वेद छः शास्त्र अठारह पुराण नौ व्याकरण ला जाना है लेकिन का काम के भैया। जीवन में केवल जाने से कहीं नहीं होए जाने के साथ साथ जीवन में मानना जरूरी है। अब जीवन में बनते कब जे दिन प्राणी मान जते ही दिन बन जते। एक लाख बेटा जेकर सवा लाख नाती अरे तेकर घर जलिस दिया न बाती केवल नहीं माने के नाम से ही। और सिरतोन में रावण के दशा का हो ही बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस संसार की गतिविधियों में कहीं ना तू रम जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे ना अटको ना भटको रे प्यारे क्योंकि ये देश वीराना रे मुसाफिर चलते जाना रे। काम पूर्ति पर होता लोभ और नहीं मिले तब होता क्षोभ क्रोध अग्नि में जीवन को ना व्यर्थ जलाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे।
फिर नहीं आवे, फिर नहीं आवे दोबारा नार तनहा, दोबारा नार तनहा। ये दुनिया मां भजन कर लेना, ये दुनिया मां भजन कर लेना, फिर नहीं आवे, ओ फिर नहीं आवे दोबारा नार तनहा, दोबारा नार तनहा। ये दुनिया मां भजन कर लेना, ये दुनिया मां भजन कर लेना। मायामा पर के तय मोर संगी रे, झन होबे गाते गवारा, ओ झन होबे रे तय गवारा, आ झन होबे रे तय गवारा। मायामा पर के तय मोर संगी रे, झन होबे गाते गवारा, ओ झन होबे रे तय गवारा, आ गवारा। नर्तन सुंदर मिले हवे तोला रे, नहीं मिल ही फिर दोबारा, ओ नहीं मिल ही रे फिर दोबारा, आ नहीं मिल ही रे फिर दोबारा। नहीं चले प्राणी, ओ नहीं चले प्राणी तोर गर्भ यौ गुमानी, तोर गर्भ यौ गुमानी। ये दुनिया मां भजन कर लेना, ये दुनिया मां भजन कर लेना। बसाले तय मोर संगी रे, सुंदर राम कहानी, ओ सुंदर राम कहानी, आ सुंदर राम कहानी। मन में बसाले तय मोर संगी रे, सुंदर राम कहानी, ओ सुंदर राम कहानी, राम दया कर ही मोर भैया, समर जहिरे जीन गानी, ओ समर जहिरे जीन गानी, आ समर जहिरे जीन गानी। ये काया माटी, ओ ये काया माटी जियत भर के साथी, जियत भर के साथी। ये दुनिया मां भजन कर लेना, ये दुनिया मां भजन कर लेना, फिर नहीं आवे, ओ फिर नहीं आवे दोबारा नार तनहा, दोबारा नार तनहा। ये दुनिया मां भजन कर लेना, ये दुनिया मां भजन कर लेना, ये दुनिया मां भजन कर लेना, ये दुनिया मां भजन कर लेना।
नर्तन के गा जतन कर लेना, ये दुनिया मां भजन कर लेना। मोह मूल बहुसूल प्रदे त्यागहुं तमय अभिमान, भजहुं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। आदरणीय सज्जनों, सही में भैया, संसार में संत केवल जगाए बरा थे। अब जागिर मानव चेत लकर, परियाजन कर्म खेत लकर, तेहा बने बना ले किसानी लरे सिर तो परियाजन ला कर। अब जागिर मानव चेत लकर, जरी जंकर बुद्धि कुदारी मकोड़, सत्य कर्म के तेह बीज हछोड़, तेह बने बना ले किसानी लरे सिर तो परिया तय झनी लकर। अब जागिर मानव चित लकर। सज्जनों, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहुं तम अभिमान, भजहुं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कतका बढ़िया बात कही हनुमान जी महाराज। यद्यपि कही कपियति हित बानी, भक्ति विवेक विरति में सानी। ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से सबो प्रकार ले रावण ल समझा डरीस। लेकिन सही बात है भैया, यदि कोनो आदमी सुते है तो जेकर कहूँ नींद पर है तेलत एक घाव दू घाव दू घाव चार घाव आवाज लगा के उठा डरबे, आवाज दिल नहीं उठते तब ले दे के वो हला डोला के उठा डरबे। लेकिन जे आदमी है कोनो सुते है ओकर नींद कोनो नहीं परे और नींद पर एक कोनो बहाना करत है वहा, तब बोला एक घाव कौन कहा एक हजार घाव घलो कहूँ उठाना चाहबे ना तब ले आदमी नहीं उठाए। और रावण के दशा वही है। अब बढ़िया बात आए, एक ही सूर्य काफ़ी है संसार में रोशनी फैलाने के लिए, एक ही पुष्प काफ़ी है चमन को महकाने के लिए, एक ही पुत्र काफ़ी है कुल का नाम चलाने के लिए, और प्राणी के जीवन में एक ठन भूल काफी हो पतन के रद्दा में ले जाए के लिए। एक बात मुझे याद है, एक जन आदमी रहा है, अब आदमी के संग में रहा है एक जन चार पाँच साल के लड़का। तो आदमी काय करीस, अपन लड़का धर के रेलगाड़ी में बैठ के जात रहा, रेलगाड़ी की सब जाके स्टेशन में खड़ा हो गया। तो लड़का बिटोई से अपन ददल कथे, बाबूगा काय रे, पाँच रुपया देना हम समोसा खाबो। खस ले ओकर दादा खिसल पाँच रुपया निकाली सो लैका ढारमर दिस। लैका दौड़त गिस होटल में पाँच रुपया समोसा लेके ले आनीस और रेलगाड़ी में बैठ के खा थे। रेलगाड़ी गिस दूसरे ही स्टेशन में खड़ा हो गए। तो लैका फिर पदोई सपन ददल कथे, बाबूगा काय रे, पाँच रुपया देन हम भजिया खाबो। फिर ओकर दादा खस ले खिसल पाँच रुपया निकाली सो फिर लैका ढारमर दिस। लैका फिर रेलगाड़ी लुतरीस, फिर दौड़त होटल में गई सो पाँच रुपया भजिया लेके ले आनीस और रेलगाड़ी की सीट में आके बैठ के फिर चौं खड़ी चीपा देख खा थे। रेलगाड़ी गिस तीसरैया स्टेशन में खड़ा हो गया। तो लैका का आदत पड़ गया बिटोई के, फिर पदोई सपन ददल कथे आएगा पाँच रुपया देन हम जलेबी खाबो। अब तीसरैया घाव पैसा मांगिस तहन ओकर ददक जी खिसिया गए, बग्या के जोर से लैका बन कथे, कसरे बेटा जतका बिल्ले रेलगाड़ी में बैठे से रे ततका बिल्ले हालर मिल बरोबर तुर मुँह चलत है, और कतका खनागे है तुर पेट हरे कतका कनला गोंज डरबे कि बग्या के जोर से। अब लैका मरोकर बाप भड़की तो लैका घलो कोनो कम नहीं रहा है। वो लैका अपन दादा बर खिसिया गए कथे, देवे दे पाँच रुपया नहीं फिर वाद तेल बता दूँ मैं। अब बता दूँ कि तहन ओकर ददक जी चिप चिप आ गए। खस ले बेचारा खिसल पाँच रुपया निकालीस और फिर लैका ढहरा मर दिस। लैका फिर पाँच रुपया जलेबी लेके ले आनीस फिर रेलगाड़ी में बैठ के खावा थे। दूसरा सीट के यात्री बड़ जुआर के देखत रहा है। अब ये बेचारा से नहीं रहा गिस, ये लैका ददा करा गए पूछते कथे, कस भैया बड़ जुआर के देखत हूँ मैं तुमन ला, अब मुला एक चीज़ समझ नहीं आते कि ये लैका तो पाँचे सात साल के दिखते, अब ये नानकुन लैकल ते अतका मुड़ में चघाक रखे हस,
कि घेरी बेरी तोला बिटोवा थे पदोवा थे, अब एल खसा खस पच पच रुपया थे हमरा थस, अब ये का बात लय लैका बता दूँ कथे तहन ते चिपचिपा जत हस। लैका दादा कथे का बताऊँ भैया, अरे मोरो से एक ठन नानकुन गलती हो गए गा, अब ये गलती ले टूरा बुझा जान थे। अब वो गलती ज़्यादा रोट हुई ऐसे बात नहीं है, बिल्कुल नाने कुन गलती है। अब वो गलती हरे का, मैं हरों एकर बाप और ये हरे मोर बेटा, हमन आदमी हन दू झन। और जे रेलगाड़ी में भी हमन चढ़ के आवत हन तेकर स्टेशन में टिकट कटवा धर पा रहे हन एक ठन, तब वो बात लय टूरल बता पा रहे हैं। देख बेटा, कोनो टिकट चेक करे आ जाइए, पूछित मत बतावे हमन आधा टिकट धरेन की के, तब वही बात ल लेके ये टूरा बुजा मोल घेरी बेरी ब्लैकमेल करते, देबे दे 5 रुपया, नहीं तो वही पूछैया तेल बता दूँ कि के एकर बार 5 रुपया का आधा टिकट कटवा दे रहते हैं। तो ना तो ये मोर 15 रुपया खाए रहतीस, अब 15 रुपया के खवाड़ रहे हूँ, तब ले वो डर हमोर मन में बने छे, आही तेल बता दी ही का, एकर नाम ही तो अज्ञानता है सज्जनों। रामचरित मानस माँ 14 ऐसे पात्र हैं जेमन मिल के 17 बेर ले रावण ल समझाइस। आज भी हमार बड़े बुजुर्ग सियान मन कथे, अरे जान देगा फलाना काकरो केहे बोले नहीं मानित भैया, ओला 17 बेर समझाएन, काकरोल माने रहती तो शायद ओकर काम नहीं बिगड़े रहती। ये कथन है काकरो बनाए, इसे बात नहीं हो संगवारी हो, ये कहना तो ये राम कथा के आए, जिला बार बार अपन गलती के एहसास दिलाए के बाद भी जेमे समझदारी नहीं है इस, अब यही समझदारी ला जगाए के खातिर बर तो हनुमान जी गे लंकापुरी माँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सुखिया सब संसार है, सब खाए पिए अब सोए, दुखिया दास कबीर हे राजा जागत जागत रोए, कोटिन हंसा मिल के सब मान सरोवर जाय, सब कोई खवै के करा घोंघी, राजा वीर ले मोती पाय, लखन सिया राम चंद्र की जय। ना संगिया ना राजा रे हरि के भजन लागा बोना, ना संगिया ना राजा रे हरि के भजन लागा बोना, हरि के भजन लागा बो रे प्रभु के भजन लागा बोना, ना संगिया ना राजा रे हरि के भजन लागा बोना, संगिया ना राजा रे हरि के भजन लागा बोना। बाजार है आनी बानी के श्रृंगार है, दुनिया माया बाजार है आनी बानी के श्रृंगार है, अरे झन जावे तय अकेला माँ पर जावे रे झमेला माँ, झन जावे तय अकेला माँ पर जावे रे झमेला माँ, दुनिया माया बाजार है आनी बानी के श्रृंगार है,
दुनिया माया बाजार है, आनी बानी के श्रृंगार है। जन जावे तैया के लामा पर जावेगा झमेला मा, जन जावेगा या के लामा पर जावेगा झमेला मा। हो जाही तोर बड़ा हाल रे, हो जाही तोर बड़ा हाल रे, तय कर मेरे भैया ताना ना ना ना। आना संगिया ना राजा हो, हरि के भजन रे गाबो ना। आना संगिया ना राजा हो, हरि के भजन ला गाबो ना। कहाँ जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना, कहाँ ले आए यो कहाँ जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना। अरे जन जावे तैं अकेला माँ पर जावे रे झमेला माँ, जन जावे तैं अकेला माँ पर जावे रे झमेला माँ। हो जाही तोर बड़ा हाल रे, हो जाही तोर बड़ा हाल रे, तय कर मेरे भैया ताना ना ना ना। आना संगिया ना राजा रे, हरि के भजन ला गाबो ना। आना संगिया ना राजा रे, हरि के भजन ला गाबो ना। हरि के भजन ला गाबो रे, प्रभु के भजन ला गाबो ना। आना संगिया ना राजा रे, हरि के भजन ले गाबो ना। आना संगिया ना राजा रे, हरि के भजन ला गाबो ना, प्रभु के भजन ला गाबो ना, हरि के भजन ला गाबो ना, प्रभु के भजन ला गाबो ना, हरि के भजन ला गाबो ना, प्रभु के भजन ला गाबो ना, हरि के भजन ला गाबो ना। दहू दिसी जय जय कार करी, निज निज जोरी जानी, भीरे बीर इतराम ही उतरावन ही बाखानी। आज रावण के अज्ञानता के कारण ही आज ये धर्म और अधर्म दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गए। और सही में भैया, जे आदमी कोनो दूसरा के सुख ल नंगा के, दूसरा के शांति के सुख ल पा के अपन जीवन में कोनो सुख पाना चाहे तो ये संसार में संभव नहीं है। भगवान राम के हाथ में आज अन्याय स्वरूप रावण ला मरना पड़ गए। हमन भी तो आज देखो ना, दशहरा के दिन आते डारा पैना पैरा भूसा के रावण बना के गांव गांव में वो रावण ला मारथन। लेकिन एक बात विचार करे के सज्जनों, का हर साल हमार रावण ला मारे के कारण आज रावण मर जाते? नहीं मरते भैया, बल्कि वो सार भर में भगवान जाने उकर कते डहर ले हाथ मन जुड़ जाते, पाँव मन जुड़ जाते, सिर मन जुड़ जाते। एक साल के बाद में फिर जैसे के तैसे रावण फिर अपन दसों थल मूल लेके खलखलात हंसत खड़ा हो जाते। का ये केवल डारा पाना के पैरा के रावण लेसे से हमारे जीवन में ये राम रावण के युद्ध सार्थक हो ही? नहीं सज्जनों, जीवन में मारना है तो अपन जीवन के ये काम क्रोध मतलब ईर्षा देश छल कपट के विकार ला मारन, तभी जीवन में आज ये रावण के ऊपर में हृदय के सात्विक राम है विजय पाही। अब आज जे दिन कोनो ये हृदय के राम अज्ञानता के रावण के ऊपर में कहूँ विजय पागे तो ये मान के चलो कि ये जीवन केवल सुखमय बन गए। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम के पद में चलने वाला जीव के जीवन में तभी सुख और शांति आई जे दिन जीवन में कोनो राम नाम के आधार के सहारा ली। संगवारी हो,
ये राम कथा के माध्यम से श्री तुलसी के संदेश मानस मंडली गांव मालीडीही जिला महासमुंद के सगो संगवारी मन के डहार लें। आप सबो के श्री चरण कमल में सशत अभिवादन है। ये राम कथा ला अपन टूटे फूटे भाषा में आप सबो के बीच में राखे के प्रयास करें हन। वाणी में शब्दकोश में गीत संगीत में कोनो करो कोनो गलती लागी तो अपन बालक समझ के क्षमा करे की कृपा करियो। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। भजन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है संसार, मनवा सो दिल मन मा विचार, भजन बिना सुना है संसार, मनवा सो दिल मन मा विचार, भजन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है संसार। बिना बगिया सुना फल के बिना डार हो, भौरा बिना बगिया सुना फल के बिना डार, कोयली बिना अमरैया है सुना, कोयली बिना अमरैया है सुना, नदिया बिना धार, भजन बिना सुना है संसार, मनवा सोच ले मन मा विचार, भजन बिना है संसार, मनवा सोचले मन मा विचार, भजन बिना सुना है संसार, लगन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है संसार। देवता बिना मंदिर सुना पुत्र बिना घर द्वार हो, देवता बिना मंदिर सुना पुत्र बिना घर द्वार, पति के बिना नारी मन के, पति के बिना नारी मन के, वृथा सब सिंगार, भजन बिना सुना है संसार, मनवा सोचले मन मा विचार, भजन बिना सुना है संसार, मनवा सोचले मन मा विचार, भजन बिना सुना है संसार, मनवा सोचले मन मा विचार, लगन बिना सुना है संसार, लगन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है संसार, लगन बिना सुना है संसार, भजन बिना सुना है।